अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे नमक पारे। नमक पारे बनाने के लिए हम लेंगे मैदा 2 कप, अजवाइन 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, घी मेल्ट किया हुआ 4 से 5 टेबलस्पून और पानी तकरीबन इसमें यूज़ होगा 1 कप। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अब एक बड़ा बोल लेंगे जिसमें मैदा गूंथना है, उसमें नमक, अजवाइन और मेल्ट किया हुआ घी डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को घी में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब घी अच्छी तरह मैदे में मिक्स हो जाए फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंद लेंगे। ये देखें, ये अब अच्छी तरह मिक्स हो गया है। इसका आटा जो नॉर्मल रोटी के लिए आटा गूंदते हैं उससे काफ़ी सख्त गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदते जाएंगे। पाँच मिनट हो गया मुझे आटा गूंदते हुए। अब हम इसे कम से कम 2 घंटे का रेस्ट देंगे, फिर उसके बाद इसके नमक पारे बनाना स्टार्ट करेंगे। अब हम इसके पेड़े बनाकर इसे बेल लेंगे। ये देखें, आटा हमने काफ़ी सख्त गूंदा है। ये जितना सख्त आटा गूंदेंगे उतने ही सही नमक पारे बनेंगे। जब देखें कि रोटी हम अच्छी तरह बेल चुके हैं, फिर हम इन किनारों को दबा के स्लैब के साथ जोड़ेंगे। अब हम इसके नमक पारे काटना शुरू करेंगे। अब हम इन्हें नमक पारे की शेप देंगे। अब इन पे थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसे उठा के ऑयल में डालेंगे। अब हम ऑयल में डालेंगे। अब हम इसे ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। नमक पारे हमारे रेडी हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए, बहुत मज़े के नमक पारे बने हैं। नमक पारे रेडी हैं। उम्मीद है दोस्तों आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। नई रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।